नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बांग्लादेश में इस वक्त इस्कॉन को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी ने तगड़ा हंगामा मचा दिया है। 25 नवंबर को उन्हें ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और आरोप था कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। जैसे ये खबर आई, भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के इस कदम की कड़ी आलोचना की। अब सवाल ये उठता है कि चिन्मय कृष्ण दास कौन है और इस विवाद के पीछे की असल कहानी क्या है, चलिए वो भी बता देते हैं। दरअसल चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख पुजारी हैं। इनका असली नाम चंदन कुमार धर है। वो बांग्लादेश के सबसे बड़े धार्मिक नेताओं में से एक हैं और दुनिया भर में उनके लाखों अनुयायी हैं। इस्कॉन का ये मंदिर बांग्लादेश के पुंडरीक धाम के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है, जो राधा रानी के पिता बृषभानु महाराज के जन्म स्थान के रूप में पवित्र माना जाता है। वो हमेशा समाज में हो रहे गलत चीजों के खिलाफ बोलते आए हैं, खासकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब 22 नवंबर को चुटगांव में आयोजित उनकी रैली के दौरान भगवा झंडा लहराया गया। आरोप है कि चिन्मय दास ने इस झंडे को बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर रखा, जिससे देश का अपमान हुआ। इसके बाद उन पर देशद्रोह के 18 मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में सजा काफी सख्त है और यहां आजीवन कारावास तक हो सकता है। मगर जो खास बात है वो ये है कि चिन्मय कृष्ण दास ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि जिस झंडे की बात की जा रही है वो रैली से 2 किलोमीटर दूर लहराया गया था और उस वक्त वहां वो मौजूद नहीं थे। अब उनके समर्थन में कई लोग भारत में सामने आए हैं, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक्सपर्ट पोस्ट कर उनकी रिहाई की बात कही है। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि आखिर इस्कॉन क्या है जो आए दिन सुर्खियों में रहता है। इस्कॉन यानी कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूरी दुनिया में श्री कृष्ण के संदेश को फैलाने का काम करता है। ये संगठन स्वामी श्री प्रभुपाद ने 1966 में शुरू किया था और आज उसके काफी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। बांग्लादेश में भी इस्कॉन के कई मंदिर हैं जहां लोग धार्मिक आयोजन करते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस्कॉन और उसके नेताओं के खिलाफ हमेशा से राजनीति चलती रही है। कभी ये आरोप लगता है कि इस्कॉन बांग्लादेश की राजनीति में दखल देता है, तो कभी ये कहा जाता है कि ये संगठन हिंदुओं को असुरक्षित रखता है। वही कारण ये भी है कि इस्कॉन और इनके समर्थकों पर दबाव बनाया जा रहा है, यानी कि इस्कॉन पर बांग्लादेश में काफी सारे आरोप लगते रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है। लेकिन चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी केवल एक धार्मिक विवाद नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का अब हिस्सा बन चुकी है, जिसमें बांग्लादेश के हिंदू समुदाय और उनके अधिकारों की रक्षा की चुनौती सामने है। लेकिन भारत इस बात का विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये भी उसी का कहीं ना कहीं हिस्सा है, जिस पर भारत को अपनी आवाज और बुलंद करनी होगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।